अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में हाजिर आपका भाई ज़ुहैब हसन और अरबाज़ अहमद। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा व्लॉग है वो है जनाब बांसों का जंगल, जिसे हम अपनी ज़बान में वास कहते हैं। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं उस जगह पे, आप देखकर हैरान हो जाएंगे, हमारे इलाके का सबसे बड़ा जो जंगल है, बहुत बहुत बड़े बड़े बांस है। हम एक बहुत बड़े एक पहाड़ पर समय ले खड़े हैं, तो इस टाइम हमारी हाइट के लग रहे हैं, लेकिन हाइट के नहीं है वो, बस कैमरे में लग रहे हैं। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और दोस्तों ये तो बताना, हम आपको दिखाते हैं वीडियो और जंगल की सैर करवाते हैं, फॉरेस्ट ईटसी वगैरह कुछ कुछ भी बोल दे, बस सरबाज भाई बस कर देते हैं जल्दी से, बस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और आपको जी एंजॉय एंजॉय करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अरबाज़ अहमद और मैं हूं ज़ुहैब हसन और आप देख रहे हैं पाक देसी लाइफ चैनल। तो आज की वीडियो में अरबाज़, हम दोस्तों को जंगल की सैर करवाई है। जी जी, आज हम करवाएंगे जंगल की सैर। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो शुरू। और एक बात याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो पूरी देखना दोस्तों। हाँ, वीडियो को शेयर भी कर देना। अच्छा फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं अपने बांसों के जंगल में। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं, काफ़ी पीछे भी रह गए हैं हमारे कुछ बांस वगैरह, अभी बहुत आगे आ गए। तो काफ़ी घने जंगल हैं, इनमें तो काफ़ी रास्ते बने हुए, लेकिन चलें इस तरफ जाते हैं। तो काफ़ी डरावनी जगह हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे सांप वगैरह भी काफ़ी रहते हैं। तो जहाँ पे मैं आ गया हूँ यार, यकीन करें बहुत ही मतलब ख़तरनाक जगह है, ऐसे है जैसे यार ना कोई जहाँ पे। अच्छा तो अभी मैं इससे गुज़र के जाऊँगा और आप देखिएगा, बहुत ही एक ना अजीबोगरीब सी जगह है। अभी निकल है। अच्छा तो दूसरी जगह पर आ गए हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सा सीन है, इन्जॉयमेंट वाला है। तो ज़ुहैब भाई हमारे आगे आगे जा रहे हैं, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। और इस तरफ आपको नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बांस है, ऊपर आपको कौवे कौवे नज़र आएंगे, नीला आसमान और साथ में ज़ुहैब भाई। तो फ्रेंड्स चलें आगे चलते हैं, ये तो हमारा सीन हो गया। ज़ुहैब भाई आ जाएँ आगे, आ जाए।
तो यहाँ पे जा रहे हैं बस, ठीक है। रास्ता काफी लंबा है, तो अभी समझ लेना इसको आप 100 रुपए की परसेंटेज देना, सॉरी 100 रुपए की बोल रहा हूँ, 100 की, अभी 3% जो आपने नहीं देखा, ठीक है। अभी बहुत लंबा है, बहुत आगे का सीन है, और जोहेब भाई पीछे पीछे। तो दोस्तों पता है क्या है, अब अभी अरबाज भाई आपको दिखा रहे हैं, सैर करा रहे हैं यहाँ की, मगर ये कि मैं खुद भी सैर कर रहा हूँ, मैं इधर उधर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसी जगह है। जी जी, यहाँ पे जानवरों के मतलब हड्डियाँ वगैरह इस तरह पड़े हुए हैं कि पता नहीं अब क्या है, हम तो नहीं जानते, क्योंकि दोस्त बता रहे थे कि काफी बड़ा जंगल है, लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है। अरबाज भाई आप भी सामने आए, आप क्यों नहीं आ रहे? नहीं नहीं मैं हूँ सामने, लेकिन मैं वो आपकी आवाज सुन रहा था। पता है क्या, ये अभी यहाँ पे लोग कहते हैं कि काफी बड़ा जंगल, अभी हमने भी आज देखा, डर भी लग रहा है कि कोई सांप वगैरह ऐसी चीज निकल है, कहते हैं जानवर भी होते हैं ये अभी शाम, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, चलो हम आगे सैर करवाते हैं। हाँ सैर करवाते हैं, मैं थोड़ा बाजू पीछे कर लाऊं। अच्छा तो यार ऊपर कवे बहुत नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि शाम को जो ना ये इनके घर हैं, ये यहीं पे आते हैं, तो ये नजर आ रहे हैं आपको, काफी घना जंगल है यार, आप प्लीज यहाँ पे आइएगा। जोहेब भाई हमारे आगे आगे जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, लगता है कोई नजर आ गई चीज, चले हम भी जाते हैं उसके पीछे, भाग के जाते हैं, आ जाए आ जाए आ जाए जोहेब भाई, चले भाग भाग भाग, जाने कोई चीज नजर आई है पे, क्या नजर आया आपको? आगे चली गई, लेकिन हम तो उसके पीछे यार नहीं जाएंगे, पीछे हट जाते हैं, वैसे दिखा देते हैं क्या है, मगर कोई चीज नहीं है, काफी घना है ना इसलिए छुप गया होगा, तो चले पीछे चलते हैं। तो दोस्तों अभी पता नहीं क्या था, कुछ मैंने देखा है ब्लैक कलर का, जिस तरह एक वो क्या कहते हैं कुत्ता टाइप होता है, कुत्ते की तरह कोई चीज़ थी, अचानक स्पीड से ब्लैक कलर की आगे निकल गई, ये एक अरबाज भाई पीछे था तो वो कैमरे में दिखा नहीं सका, मैं उसका पीछा की आगे चले गई, पता नहीं क्या था ये, कैसे पीछा नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। चलो कोई नहीं दोस्तों, चलो आगे आपको दिखाते हैं अरबाज, ख्याल से ये कोई नहीं यार। अच्छा तो यहाँ से काफी घना है यार, यहाँ से तो गुजरने भी थोड़ी मुश्किल पेश आती है, आगे तो मतलब बंदे को वैसे डर लगता है, तो यार वहां पे कुछ चीज नजर आई मुझे, पता नहीं इधर क्या क्या कुछ होगा, तो बाद भी ऐसे करते हैं यार पीछे ही चलते हैं, हाँ क्योंकि आगे बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो आगे फ्रेंड्स काफी लंबा है, मैं आपको दिखा नहीं सकता कि कितना लंबा है, ठीक है जी दोस्तों, आगे फ्रेंड्स अभी पीछे चलते हैं, अभी पीछे और दूसरी साइडों में भी दिखा देते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी किसी और रास्ते पे जाते हैं, हाँ किसी और, चले ठीक है उस रास्ते पे जाते हैं। यार इसके रास्ते काफी ज्यादा है, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने रास्ते हैं, ठीक है ना। अभी ये एक और रास्ता निकल रहा है, ये निकल तो नहीं रहा यार, काफी मुश्किल है, इधर से कहीं निकल जाएगा तो अभी यार ना जी, इस रास्ते से काफी मुश्किल हो रही है, थोड़ा ख्याल से देखते रहना, ये आगे पीछे साइडों से देखते रहना यार, देख रहा हूँ बस जोहेब भाई क्या करें कि रास्ता इतना मुश्किल है यार, अभी ये रास्ता इधर भी निकल रहा उधर इधर इधर जाते हैं, इधर से चलते हैं यार, ये कुछ ठीक लग रहा है हमें, लेकिन इधर से तो फिर बंद है यार, नहीं आगे वो यार यहाँ से स्पीड में गुजर जा, स्पीड में आ, स्पीड में जोहेब भाई भी आ गया, हाँ तो यार ये रास्ता कुछ सही लग रहा है हमें, साफ भी लग रहा है, हो लग रहा जी दोस्तों कुछ ऐसे हो जाता है, हाँ कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए जाते हैं जिनकी समझ आपको शायद नहीं आए, हमें तो आ जाएगी क्योंकि हमारी जो बेसिक जबान है वो पंजाबी है यार, तो मतलब उसमें बात करते हैं थोड़ी बहुत। जोहेब भाई इनको अरबाज भाई वो मैंने देखा था भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप उर्दू या दूसरी पंजाबी में बात नहीं, आप अपनी पंजाबी में बात किया करें, तो चलो दोस्तों आप दी हाँ जी चलो सही होगा, हूँ आप जाते पे अच्छा अरबाज है अगे आओगे ना दूसरी साइड पे, हाँ अच्छा यार ना थोड़ा मैं इस तरह वीडियो दिखा रहा मतलब फुल थलियों करके ना, तो स्पीड में स्पीड में तो काफी इंजॉय किया होगा आपने यार, बहुत मतलब भागे हैं दोस्तों, पता है क्या है अभी ना अरबाज भाई, पता है दोस्तों क्या, हमारे पास ड्रोन तो नहीं है, तो वैसे में हमने ड्रोन का शॉट लिया है कि इस तरह स्पीड से हम भागे, इस तरह दिखाया, बाल भी खराब हो गए यार, तो अभी काफी लंबा है यार, हम तो यार शाम तक इसमें शायद गुम ही ना हो जाए यार। अरबाज भाई रास्ता भी याद रखना किस साइड में निकलना है, कोई नहीं यार एक तरफ चलते जाएंगे किसी जगह पे तो निकल ही आएंगे ना। तो ये जो प्लेस है ना काफ़ी अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, क्योंकि हाँ यार यहाँ का ये है कि ना जो बड़े बड़े कार्ड दिए गए हैं अभी छोटे छोटे निकल रहे हैं पीछे से, तो अरबाज भाई
तो काफ़ी नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो अच्छा यार मैं आपको मज़े की एक चीज़ दिखाऊं, कौवे, बहुत से कौवे नज़र आ रहे हैं। मोबाइल यहाँ पे रख देते हैं, आपको खुद ही नज़र आएंगे। तो जी दोस्तों, तो फ्रेंड्स अभी मैं आगे जा रहा हूँ, इसमें तो काफ़ी लंबा जंगल है, ये मैं आपको इसकी सैर करवा देता हूँ। यहाँ पे अंदर तो मैं नहीं जाऊँगा, कुछ आगे के मनाजर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये काफ़ी लंबा और हमारे जो इलाके का सबसे बड़ा जो एक जंगल है, तो इसमें बताया जाता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वो सांप रहते हैं और भी कुछ जानवर जो हैं वहाँ पर रहते हैं। अभी मैं और ज़ुहेब भाई सिर्फ अकेले आए हैं, हमारे पास कोई और चीज़ भी नहीं है, अल्लाह ना करे कुछ हो गया। तो अभी हम ये कि बाज़ भाई वो सही कह रहे हैं, जिन्होंने दोस्त भी बता रहे थे कि इस जंगल में बहुत बड़े बड़े सांप भी रहते हैं, बांसों का मंडल काफ़ी मशहूर है, देख सकते हैं साइड पे भी। और ये देखो क्या वो जानवर भी किस तरह घूमना करते हैं, हाँ मतलब जो है ना वो जहाँ पर छोड़ जाते हैं वो लोग, देख सकते हैं कि आगे कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों को इस तरह। यार काफ़ी पुराना है, अभी आगे तो नहीं जाएंगे हम, बस यहाँ से ही आपको इसका नज़ारा जंगल है और भी गड्डियाँ पड़ी हुई जानवरों की जी। तो अभी आगे चलते हैं, अभी तो यार ये आप देख लेना, अगर एक मतलब 100% इसको बनाए ना, अभी जो 3% है वो भी नहीं आपको हमने दिखाया। आगे जस्ट काफ़ी लंबा चौड़ाई लंबाई बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मगर ये कि हम इतना आगे नहीं जा सकते। तो ये देख सकते हैं कि इस साइड पे ये पता नहीं जानवरों की एड़ियाँ वगैरह, ये देखो जानवर अंदर रहते हैं और ये पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं यहाँ पे, मतलब शिकार वगैरह हो जाते हैं। हाँ इसका सुराख मिल गया, ये भैंस है, नहीं भैंस है या जो भी है, कोई भी भैंस हो सकती, कोई और भी जानवर हो सकता है यहाँ आते होंगे इस तरह। क्योंकि हम अभी अंदर आए, डर भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी अभी शाम का टाइम है, लंबा चौड़ा है। तो पहले यार हम कभी नहीं आए इसमें, सिर्फ और सिर्फ ये दोस्तों का प्यार है जी, इस वजह से हम आ गए हैं आज के। हमें कुछ भाइयों ने बोला था, उन्होंने बोला था कि सुना कि आपके मतलब गाँव में इस तरह का जंगल है, तो हमने सोचा चलो आज वीडियो बनाते हैं। तो इसका ये है कि यार ना कई दफ़ा इसमें कोई जानबूझ के आग लगा जाता है, तो ये पत्ते हैं ना वो सब जल जाते हैं और उसके बाद इसको बेच दिया जाते हैं जो सारे हैं ना, तो उसके बाद ये नए अब निकल रहे हैं छोटे छोटे, आपको नज़र आ रहे हैं। इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी हम दूसरों की तरफ जाएंगे जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा और उनके जो ना वो आगे काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबाई है, बहुत ज़्यादा लंबाई है। और फ्रेंड्स एक मज़े की बात मैं आपको और बताऊँ, अगर यहाँ पर किसी ने फ़ोटो शूट करने हो तो यहाँ पर आइएगा, ये बहुत अच्छी प्लेसेस हैं, तो अपना विज़िट कीजिएगा। अरबाज़ पता ही क्या है, अभी हम तो सीधा ये रास्ता कि निकल रहा है इधर से, कुछ क्या पता कोई लोग वगैरह गुजरते हैं हो, नॉर्मल ज़्यादा हाँ गुजरते हैं, मतलब आपको नज़र आ रहे हैं ना ये नीचे पहले भी, मगर ये कि जिस तरह अभी हम साइडों पे देख रहे हैं उधर ज़्यादा है, सिरोनी जगह बनी, इधर तो हम नहीं जा सकते। हाँ नहीं हम नहीं जा सकते, बस नज़ारा करवा सकते हैं या कुछ चीज़ें हो सकती हैं। हाँ तो दोस्तों अभी हम जंगल में हैं, इस साइड पे आप देख सकते हैं पीछे किस तरह का घना जंगल है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जी अरबाज़ भाई भी आगे, कहाँ थे अरबाज़ भाई? यार मैं शायद उतारने गया था और उतार के अभी वापस आ रहा हूं। अच्छा तो शायद किधर गया है? शायद नहीं शायद वो ही ना आप कह रहे हैं ना मैं शायद उतार के आया, तो शायद तो ये होगा कि वो शायद तो नाम है, मैंने इसलिए बोला शायद किधर गया। चलो आप शायद बोलते तो फिर मैं कहता अच्छा शायद उतार कर किधर रखा, तो मतलब वो वहाँ पे रख दिया ना जहाँ पे हमारी दूसरी बाइक्स खड़ी हैं जैकेट। तो दोस्तों शाम का टाइम है, काफ़ी लेट हो गए इसलिए सही साफ वीडियो नहीं बन रही, क्योंकि शाम का टाइम है तो वीडियो रिजल्ट नहीं दे रही, पहले सही रिजल्ट आ रहा था। तो ये अरबाज़ भाई ने अभी नकाब उतार दिया है, तो ये देख सकते हैं इस साइड पे सारा जंगल बहुत बड़ा है, हम इधर सैर करवाते रहे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम आगे अभी जाते हैं और दिखाते हैं आपको। दोस्तों ऐसे करते हैं हम बैक कैमरे पे आपको दिखाते हैं या जो भी है आपको बताते रहते हैं, इस तरह आपको सही मतलब नहीं सही पता चलता, मतलब कुछ चीज़ मिलती है मतलब काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पे छुपा के लोग रख जाते हैं। तो ये हिरबाज़ भाई का कहना है कि यहाँ से लोग पता नहीं क्या क्या कुछ चीज़ें छुपा के रखते हैं, तो यहाँ से ये क्या है, ये टाली के पापे। अच्छा तो यहाँ से बहुत कुछ मिल भी जाता है, अभी हम आगे और आपको दिखाते हैं। जंगल तो बहुत बड़ा है, सैर कभी टाइम ज़्यादा हुआ तो कोई एक घंटा आपको सारा जंगल एक घंटे में घुमा देंगे, तो पता नहीं ये क्या कुछ इधर पीछे, इंशाल्लाह यू शूट हमारा जो है ना वो यहीं पे होगा। तो दोस्तों आप इंजॉय करते रहिए साथ साथ वीडियो।
वेलकम बैक दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जीरबाज आप क्या कहना चाहते हैं? बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआ में याद रखिएगा बस, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ये वीडियो को लाइक भी जरूर करना दोस्तों, और ये घंटी वाले बटन को जरूर दबाइएगा। जी दोस्तों, अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर कोई इस तरह कोई नया भाई देख रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को हमारी मिल सके। और दोस्तों मतलब पहले से सब्सक्राइबर है वो ना करना सब्सक्राइब उसको, जी वो पहले से सब्सक्राइब है। और दूसरी ये बात कि दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियो पसंद आई इस तरह की दोस्तों और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज आपको इंशाल्लाह जंगल की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ये देख सकते हैं अभी हम बैर खड़े हुए हैं, वापस आ गए दोस्तों। ये कि अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अभी ये हमारा बाइक भी खड़ा हुआ है तो अब हम भी घर जाने लगे हैं दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।